नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। मेरी कैंसर की कहानी मेरी जुबानी आपसे साझा कर रही हूँ। इस सीरीज में हम लेकर आए हैं कैंसर सर्वाइवर्स की सच्ची और इंस्पिरेशनल कहानी। हमारे चैनल इस मोड़ पर की डॉक्टर्स की टीम कैंसर और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2013 में मुझे ओवेरियन कैंसर हुआ। मुझे कई बार बहुत तकलीफ हुई, भूख नहीं लगती थी, मेरा पेट कई बार ऐसा लगता था कि जैसे फूल रहा है, मुझे बैठने में तकलीफ होती थी। लेकिन इन परेशानियों के होने के बावजूद भी मैंने कभी अपनी ओर ध्यान नहीं दिया। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो सबके चेहरे लटके हुए थे, परिवार जनों की आंखों में आंसू थे। उनको देखकर ही मुझे समझ में आ गया कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको लास्ट स्टेज कैंसर है, तो मैंने उनसे कहा मेरे पास जीने के लिए क्या 6 महीने है। तो वह हंसते हुए कहने लगे कि नहीं, बहुत है, और तुम इतनी हिम्मत वाली हो, इतनी हिम्मत के साथ पूछ रही हो, तो तुम इसको बहुत अच्छी तरह फेस कर सकती हो, उस कैंसर से जीत सकती हो। तभी मुझे लगा कि मुझे तो भगवान ने 6 महीने दिए हैं। यदि कोई हार्ट का पेशेंट होता है, कोई एक्सीडेंटल केस होता है, तो उनको तो जीने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। मुझे 50 वर्ष की उम्र में कैंसर हुआ। तब मुझे लगा कि मैंने कभी अपने लिए तो जिया ही नहीं। आज समझ में आया कि जीवन तेरा क्या मोल है, तू कितना अनमोल है। एक एक पल मुझे अपने लिए जीना था, अपनी खुशियों को के लिए जीना था। जो चीज मैं जिंदगी में नहीं कर पाई, मेरे सपनों में इंद्रधनुषी रंगों को भरना था। और ऐसा लगा कि मेरे पास जीने के लिए बहुत टाइम है, पर मैं अपने को जानूं, अपने को समझूं। और ये सब मैंने उन 6 महीने में वाकई करके दिखाया। हर बार जब कीमो करवाने के लिए जाती थी तो बस मुझे ऐसा लगता था कि शाम को हंसते हुए घर लौटना है। परिवार के सहयोग के कारण कोई भी चीज बड़ी नहीं लगी। जैसे कैंसर जैसी बीमारी को भी इतनी सहजता के साथ लिया, और दूसरा सकारात्मक रुख रखा, आत्मविश्वास बनाए रखा, दृढ़ संकल्प के साथ ये सोचा कि बस इस जंग से मुझे जीतना है। क्योंकि जब मैंने सोचा था कि लास्ट स्टेज कैंसर है, तो मैं शायद ये 6 महीने भी मेरे बहुत तकलीफदायक होंगे, दुखदायक होंगे, लेकिन कीमो में भी मैं बहुत सहज रही। एक बहुत अच्छी चीज हुई कि मैं कैंसर सर्वाइवर ग्रुप के साथ जुड़ गई। उस ग्रुप में वे सभी थे जो कैंसर की जंग जीत चुके थे और जिनकी कैंसर से जंग जारी थी। जब मैंने उन कैंसर सर्वाइवर्स को देखा, उस समय कीमो के बाद मेरे बाल चले गए थे, लेकिन वो सभी मेरी फ्रेंड्स बोली, कैंसर सर्वाइवर्स बोली कि देखो हमारे बाल जाने के बाद बहुत अच्छे आए हैं। फिर मैंने भी कीमो के बाद अपने बाल जब छोटे छोटे आए तो बिल्कुल बाई कट और अलग अलग स्टाइल में करवाए, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके साथ मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं भी किसी दूसरे पेशेंट को हिम्मत दे सकी। आप यदि ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ते हैं जो इस कैंसर से जंग जीत चुका है, तो जब कोई नया कैंसर पेशेंट आता है तो उसको इतना संबल मिलता है, जो कीमो में इतना घबराया हुआ रहता है, उसको ऐसा लगता है कि, और दूसरे रिश्तेदार उसके मन में इस तरह की भावना भर देते हैं कि कैंसर हुआ मतलब अब जिंदगी खत्म हो गई। जो ये हम लोगों के मन में जो डर समा जाता है, इस डर से निकलने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे कैंसर सर्वाइवर्स के साथ रहें जो इस जंग को जीत चुके हैं। और कई ऐसी चीजें जो लगातार कुछ दिनों तक चलती रहे, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब हम उसको स्टार्टिंग में पकड़ सकते हैं। लास्ट स्टेज में मेरी बीमारी पकड़ में आई तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत कहा कि आपको रिकरेंस की संभावना है। कुछ छोटी सी भी यदि मुझे समस्या लगती है, कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास जाके उनसे शेयर करती हूँ और अपना इलाज करती हूँ। इसके अलावा उन सब चीजों, अपनी सब चीजों की तरफ ध्यान देती हूँ जो लापरवाही मैंने पहले की है। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, हम जो खुशियां जीना चाहते हैं, सब हम इंतजार करते हैं
कि अभी तो हमारे पास घर के बहुत सारे काम हैं, अभी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादियां हैं, उसके बाद हम शौक पूरे करेंगे। लेकिन उस समय का इंतजार नहीं करें, समय कब चला जाता है मालूम नहीं पड़ता है। हमने कितना जीवन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हमने कैसा जीवन जिया। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर मौका पार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।